अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूँ यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। हम कहते हैं कि एजुकेशन कहाँ है, टैलेंट कहाँ है, लेकिन क्या हम टैलेंट ढूंढने निकले हैं? टैलेंट हमारे आसपास काफ़ी है, बस उस टैलेंट को संवारने की, ढूंढने की जरूरत है। और ऐसा ही कुछ मुहिम इस समय वसई की एक प्रतिष्ठित स्कूल आइजैक न्यूटन ग्लोबल स्कूल ने ये मुहिम अभी ली है। दरअसल इस समय हम खड़े हैं इसी स्कूल में, आइजैक ग्लोबल स्कूल में, जहाँ एक साइंस एग्जीबिशन पिछले 3 दिनों से जारी है, 4 जनवरी, 5 जनवरी और 6 जनवरी। आज तीसरा दिन है, आज इस एग्जीबिशन का लास्ट दिन है। यहाँ हमने एग्जीबिशन देखा, काफ़ी समय हमने बिताया। कैमरे पर आप देखेंगे, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना, ये वीडियो काफ़ी लंबा है, लेकिन इस वीडियो को आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप वीडियो को देखकर आपको काफ़ी इंकरेजमेंट मिलेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। क्योंकि ये जो वीडियो हमने निकाला है, ये वीडियो है दरअसल उन प्रतिभाओं को दिखाने का एक मौका, एक प्लेटफॉर्म है, जो प्रतिभा वास्तव में हमारे आसपास की है और आने वाला हमारे देश का भविष्य है। हमारे जो बच्चे, आज जो बच्चे हैं, कल भविष्य है। कल कोई इंजीनियर बनेगा, कल डॉक्टर बनेगा, कोई इन्हीं में से, उनके किए हुए प्रोजेक्ट्स उसको हम आपको दिखा रहे हैं। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में, इस पूरे एग्जीबिशन में हमने अलग अलग डिपार्टमेंट में घूमे हैं, वहाँ क्या क्या है वो आप ज़रूर देखना। यहाँ आप ये देख सकते हैं एक मॉडल चंद्रयान जो भी लॉन्च हुआ था, जिसकी काफ़ी चर्चाएँ हमारे देश में हुई। सफल हमारा चंद्रयान, एक सफल अभियान हमारे साइंस वैज्ञानिकों का रहा था, उसका ये मॉडल है। ये चंद्रयान को भी इन्होंने किस तरह से हवा में जाता हुआ शो कर रहे हैं, वो आप वीडियो में बैकग्राउंड में देख सकते हैं। तो ये एक हमने खाली आपको मॉडल दिखाया, आप स्क्रीन पे वीडियो में आगे बने रहिए, आपको ऐसे कई मॉडल दिखेंगे आगे। इसमें कई लोगों के विचार है वो सुनने को मिलेंगे, कई बच्चों के अपने विचार हैं, उनकी क्या परिकल्पना है, क्या सोच है, वो आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए वीडियो को अंत तक, वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इन बच्चों का जो टैलेंट है वो कहीं ना कहीं आगे और भी बढ़ पाए। अभी के लिए इतना ही, वसई से यूसुफ अली। इनफैक्ट 4 जनवरी जो है वो सर आइजैक न्यूटन का बर्थडे मनाया जाता है, तो हमारा वो पेट्रन है, स्कूल का पेट्रन है, इसीलिए हम लोग एवरी ईयर, हर साल उनको ट्रिब्यूट देने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा प्रोग्राम करते हैं। सो दिस टाइम वी थॉट इट शुड बी साइंस एग्जीबिशन, लेकिन आप अगर आइजैक न्यूटन का, आप इफ़ यू रीड मोर अबाउट आइजैक न्यूटन, आपको पता चलेगा कि उन्होंने साइंस में ही नहीं काम किया है, लेकिन मैथमेटिक्स का में भी उनका बहुत बड़ा डिस्कवरीज है। इसीलिए ये साल हम लोगों ने साई पाई नाम रख के ये साइंस एग्जीबिशन जो है वो बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किया है। क्या हो रहा है कि बच्चे पढ़ रहे लेकिन उनका नॉलेज जो है वो अप्लाई होने के लिए, बिकॉज दे आर सो टैलेंटेड, सो वी थॉट वी विल प्रोवाइड देम दी अपॉर्चुनिटी वेर इन जो उन्होंने सीखा है वो अप्लाई करेंगे। तो हिस्टोरिकल व्हाट दे हैव स्टडीड, उन्होंने लिंक किया है प्रेजेंट को और फ्यूचर में उसका क्या होने वाला है, ये सब इधर दिखाई देगा आपको अगर आप स्कूल में आएंगे तो। देर आर मोर देन 200 प्रोजेक्ट्स, और ये प्रोजेक्ट्स सिर्फ बच्चों ने ही नहीं बनाया। आई एम सो प्राउड कि आइजैक न्यूटन ग्लोबल स्कूल के हाउसकीपिंग स्टाफ, इवन टीचर्स, ऑफिस स्टाफ, सो सब, एवरी वन दे केम टुगेदर, पीटीए मेंबर्स ने भी साथ दिया है, लेकिन बच्चों के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आउटस्टैंडिंग है। फिर यहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स जो है, इट्स नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द पास्ट एंड द प्रेजेंट, बट अबाउट द फ्यूचर। और सबसे अच्छा जो प्रोजेक्ट, मैं ऐसा नहीं बोल सकती एक ही प्रोजेक्ट अच्छा है इन एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, फ्यूचर में गगनयान होने वाला है जो 2025 में जो आने वाला है, उसका भी प्रदर्शन इधर दिखाया जा रहा है। सो इट्स अ गुड, और वसई में एवरीवन इज मोटिवेटिंग अस, एनकरेजिंग अस। आई एम सो हैप्पी, मोर देन 28 स्कूल्स, अब तक मोर देन 28 स्कूल्स हैव विजिटेड आवर स्कूल्स, 3000 से भी ज़्यादा लोग हमारे स्कूल में आए हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर मोटिवेटिंग एंड एनकरेजिंग आवर स्टूडेंट्स, थैंक यू। सर क्या कहेंगे आप, ट्रस्टी है और आपके स्कूल ने इस तरह से एक बेहतरीन साइंस प्रोजेक्ट, साइंस मैक्स प्रोजेक्ट बनाया है, क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद। आप ये जो
सब लोगों तक इसे पहुंचा रहे हैं, आपके माध्यम से हम कुछ कह सकते हैं। आइज़ैक न्यूटन ग्लोबल स्कूल, जैसे नाम ही उसका एक बहुत बड़े विश्वविख्यात साइंटिस्ट के नाम पर हमने रखा है, तो जाहिर है कि हमारा इरादा यही रहेगा कि स्टूडेंट्स तक ये जो विज्ञान में जो भी प्रगति आज देश में और विदेश में और पूरे विश्व में हो रही है, तो उन तक पहुंचाना ये हमारा प्राथमिक हम कर्तव्य समझते हैं। ये जो हमने आज यहाँ पर अरेंज किया है 3 दिन तक, उसे मानिए कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जो है वो बच्चों का है, और आपको अचरज रहेगा कि बच्चों के पास से इतने अच्छे अच्छे आइडिया आती हैं कि हम भी कभी कभी सोचते हैं कि ये लोग सब कहाँ से इतना ज्ञान इकट्ठा करते हैं। बट आप जो भी यहाँ पे देख रहे हो उससे डेफिनेटली सब विद्यार्थियों में, सब स्टूडेंट्स में एक अच्छा मैसेज जाएगा और उनको विज्ञान के प्रति और उनका लगाव बढ़ेगा, यही हमारी इच्छा है। मैडम आपका नाम? नमस्ते, मेरा नाम वृशाली शिरिशकर है और मैं साइंस जनरेशन आजकल बहुत से एडवांस टेक्निक्स जैसे AI और नैनो टेक्नोलॉजी ये सब भी बहुत आ चुका है, लेकिन स्पेशली एज अ पेरेंट मैं ये कहना चाहूँगी कि ये एग्जिबिशन में सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या नैनो टेक्नोलॉजी इसी पे भर नहीं दिया गया है, बल्कि जो बेसिक साइंटिफिक कंसेप्ट है जैसे सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, उस आधार पे भी बहुत से प्रोजेक्ट्स एग्जिबिट्स रखे गए हैं। तो स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, जैसे मेरी बच्ची फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, तो उनको भी समझ में आए ऐसे सिंपलिस्टिक वे में एग्जिबिट्स रखे गए हैं, और आगे जाके भी जो वैदिक मैथ्स जो अपना टेक्निक है, अबाकस है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो आजकल बहुत इन है, इन सब चीज़ों पे भी बहुत फोकस किया गया है। तो एक परिपूर्ण ऐसा एग्जिबिशन ये मुझे लगा और बहुत मोटिवेटिंग है सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो थैंक यू आइज़ैक न्यूटन और टीचर्स। मैम आप भी एक ट्रस्टी है, क्या कहना चाहेंगे इस तरह से बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और एक बेहतरीन, काफ़ी सुंदर, हमने भी पूरे का विजिट किया है, क्या कैसा अनुभव? पहिल्यांदा धन्यवाद तुमच्या माध्यमातून आमच्या शाळेतल्या मुलांची कृतीशीलता लोकांपर्यंत पोहोचणार आहे। आमच्या मुलांबरोबर आमचे शिक्षक, आमच्या मावशासुद्धा सगळ्यांनी आपलेपणाने पूर्ण क्रिसमसची सुट्टी एन्जॉय न करता शाळेमध्ये फक्त आणि फक्त या एक्झिबिशनसाठी वेळ दिला आणि सगळ्यांनी आनंदाने हे एक्झिबिशन साजरं केलं। आय एम प्राऊड ऑफ की मी या शाळेची संचालिका आहे, मला त्याचा अभिमान वाटतो आहे, गर्व वाटतो आहे की अशा शाळेची मी संचालिका आहे, मी ट्रस्टी आहे, की ज्या शाळेत शिक्षक आणि मुलं एखाद्या फॅमिलीप्रमाणे आपल्या घरचं काम असल्यासारखं इथे दिवस रात्र मेहनत घेऊन एवढं सुंदर प्रदर्शन त्यांनी भरवले, आणि वसई तालुक्यातल्या सगळ्या शाळा, जवळजवळ सगळ्या शाळा आपलेपणाने आमंत्रणावर येत आहेत, आमच्या मुलांनी केलेल्या सायन्सच्या सगळ्या प्रयोगांचं कौतुक करत आहेत, आणि सगळ्या प्रकारचे इथे प्रयोग आहेत, आपल्याकडे ऑर्गॅनिक शेतीसुद्धा दाखवलेली आहे, कळलं की नाही? मग ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या वसईत होतात त्याचंसुद्धा इथे भान ठेवून त्याच्याबद्दल सांगितलं आहे, तुमच्या ग्रहताऱ्यांबद्दल सांगितलं आहे, आमचं यान तुम्ही उडताना बघितले ते आमच्या लोकांनी तयार केले, खरोखर या मुलांची कल्पकता कुठपर्यंत जाते त्याचं छोटीशी झलक आपल्याला बघायला मिळाली आहे, आणि तुमचे आभार, तुम्ही आलात आणि आमच्या मुलांना प्रोत्साहित केलं, धन्यवाद। मेरा नाम है ताहिरा गुंसाल्विस और मैं स्कूल में काउंसलर हूँ। मैडम आज ये एग्जीबिशन में आपने जो काउंसलिंग का कुछ एक नया प्रोजेक्ट रखा है जी, क्या ये प्रोजेक्ट है? हमारे समझ में नहीं आया किस तरह से हम अपने व्यूअर को समझा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इतने बिजी हो जाते हैं, इतने बिजी होते हैं कि कभी समझो हम चाय पी रहे हैं तो चाय का आस्वाद नहीं लेते, बस चाय पीते हैं, एक हाथ में मोबाइल रहता है, क्या जा रहा है अपने अंदर हमको पता नहीं चलता है। घर पे हम चलते हैं, मैट है दरवाजे के बाहर, उसका फील जो आता है हमारे पैर पे हमको याद मालूम ही नहीं क्या है, हम बस मोबाइल में रहते हैं, हमारे और विचार चालू रहते हैं, मन में चालू ही है, तो हम बहुत मतलब उलझे हुए रहते हैं, रिलैक्स्ड फील ही नहीं कर पाते। वही हम सब
यहाँ पे स्कूल में भी बच्चे हो या टीचर हो या बाहर कोई भी हो, सब इतने टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस बहुत रहता है। तो ये जो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट रखा है, तो अलग अलग टेक्सचर फील कर रहे हैं पैर में, फिर इधर जो है वो हाथ का टेक्सचर है, और आगे चल के नोज़ का है, मतलब स्मेल करने का। तो ये सब अपन छोटे से एक शब्द एक लाइन में कहे तो जो रोजमर्रा की चीज है जिसको हम फील नहीं करते, उसको आप फील कैसे किया जाता है, वो हम जी आप काउंसलिंग कर रहे हैं यार, इसके बारे में हम दिखा रहे हैं। तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम चलते हैं, ये सब इसके ऊपर से ही हम चलते हैं, लेकिन हम फील नहीं करते हैं। हम ये जो हाथ में या तो आटा गूंथते हैं या चावल साफ करते हैं या खाना खाते हैं, वो सब फील कर, लेकिन फील नहीं करते हम, बस वो करते जाते हैं मशीन के जैसे, या चाय पी रहे हैं या कुछ खा रहे हैं तो उसका हम स्मेल नहीं लेते हैं, बस वो करते ही जाते। तो ये जो है हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हम कर सकते हैं और रिलैक्स फील कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल कि फील करेंगे तो उसका लाइफ के ऊपर क्या असर है? ये जब भी हम फील करते हैं तभी क्या होता है ना, वो जो हमारे थॉट्स है, जो विचार चल रहे हैं या जो टेंशन है, उसको हम थोड़ी देर के लिए बाजू में रखते हैं, और थोड़ी देर के लिए बाजू में रख दिया तो क्या होता है, हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो वो रिलैक्सिंग हेल्प्स अस। थैंक यू सो मच। मैडम आपका नाम? प्रतिमा वर्तक। क्या कहना चाहेंगे आपके स्कूल में जो साइंस एग्जीबिशन है उसके बारे में क्या जानकारी? जानकारी मतलब अभी आपने सभी कवर किया है, हमारे बच्चों का जो प्रोजेक्ट्स है, प्रकल्प है, उन्होंने जो बनाए हैं, जो रिवाइंड एंड फॉरवर्ड ये कॉन्सेप्ट के ऊपर है, मतलब राइट फ्रॉम द एंशिएंट बिगिनिंग व्हाट इज़ द डेवलपमेंट इन मैथ्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट वी हैव शोकेस्ड हियर इन ऑल दिस एग्जिबिट्स, लाइक वी हैव नॉट मिस्ड इवन अ सिंगल इन्वेंशन इन दिस, एंड व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर दैट ऑल्सो स्टूडेंट्स हैव यू नो मेड द एक्सपोजर टू सम फिबोनाची नंबर्स, देन क्वांटम कंप्यूटिंग, हाउ इट विल बी यूजफुल इन फ्यूचर जनरेशंस। और एंड वन मोर थिंग आई विल लाइक टू टेल यू ऑल दैट आर स्कूल, ओके आर स्कूल टू एग्जिबिट्स, वी रिप्रेजेंटेड आर स्कूल एट CBSE रीजनल महाराष्ट्र लेवल साइंस एग्जिबिशन, एंड फ्रॉम ग्रेड 8 वन एग्जिबिट एंड फ्रॉम ग्रेड 9 वन एग्जिबिट। ग्रेड 8 द टॉपिक वॉज एंटी लीक अलार्म, एंड ग्रेड 9 टॉपिक वॉज ड्राउजी ड्राइविंग, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आर स्कूल रिप्रेजेंटेड राइट फ्रॉम द होल वसई विरार एरिया, वी आर द ओनली वन स्कूल टू रिप्रेजेंट एट CBSE लेवल एट महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच। मैडम आपका नाम? रेणुका पिल्ले। मैडम क्या कहना चाहेंगे आपके इस स्कूल में एक साइंस एग्जीबिशन जी, हमारे इस जानकारी कि ये जो अर्थ का प्रोजेक्ट है ये आपने बनाया है जी, क्या इसकी जानकारी? जी बेसिकली हम साईपाई करके ये एग्जीबिशन प्रेजेंट कर रहे हैं, वैसे के सारे स्कूल्स को इनवाइट कर रहे हैं। सो आइजैक न्यूटन ग्लोबल स्कूल जो है वो एवरी फोर्थ जनवरी को आइजैक डे बनाता है, मतलब वो फेलिसिटेशन डे बनाता है या एक स्मॉल ट्रिब्यूट देता है सर आइजैक न्यूटन को, बिकॉज वो उनका बर्थ एनिवर्सरी है। आइजैक न्यूटन सर का बर्थ एनिवर्सरी होता है 4th January 1643 वॉज इज बर्थ डे। सो हम अपने स्मॉल मीडियम के थ्रू एक प्रेजेंटेशन रखते हैं। दिस साईपाई प्रेजेंटेशन का थीम है रिवाइंड एंड फॉरवर्ड, जहाँ पे हम पास्ट डिस्कवरीज से लेके अब जो करंट चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके फ्यूचर कंप्यूटिंग को लेके क्वांटम मैकेनिक्स को लेके और इसरो ने जो अपकमिंग मिशंस प्लान किया है वो सब चीज़ को कवर करके हम ओवरऑल ये ग्रेड को एक डोमेन को कवर करके हम प्रेजेंटेशन रख रहे हैं। इसमें क्या खासियत है जो आपने मॉडल बनाया है, इसमें क्या मैसेज भी है? जी जी, जैसे आप देख सकते हैं ये मैंने और मिस प्रियंका मिस ने बनाया है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग ने एक अर्थ का मॉडल बनाया है, जहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं कि गगनयान एक 2025 का मिशन है। इसरो ने अब तक 4 मिशंस लॉन्च किया है जो सक्सेसफुल मिशंस रह चुके हैं, मंगलयान, चंद्रयान, सूर्ययान और समुद्रयान, और ये है उनका अपकमिंग मिशन जिसका नाम है गगनयान। यहाँ पे उनका एक आइडिया है कि वो एक स्पेस व्हीकल लॉन्च करेंगे जिसपे वो 3 to 4 क्रू मेंबर्स को छोड़ेंगे स्पेस मॉड्यूल में टू स्टडी द स्पेस वर्ल्ड, टू अंडरस्टैंड द स्काई, देयरफॉर द वर्ड गगनयान, बिकॉज यान इज एन ऑर्बिटल व्हीकल, एंड थ्रू दैट दे विल अंडरस्टैंड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ एंड कम अप विद देयर फ्यूचर डिस्कवरीज। आज की जो जनरेशन है, आज के जो बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं अपना खास करके जो 2020-21 का पीरियड था लॉकडाउन, उसके बाद से मोबाइल्स पे ज़्यादा
इन्वॉल्व हो गए और इस तरह से प्रोजेक्ट अभी कहीं थोड़ा घूमते जा रहे हैं, ऐसे में आपने ये प्रोजेक्ट रखा है जी, तो आपकी क्या ऐसी थॉट और दूसरे जो बच्चे हैं उनको इनकरेज करने के लिए आपने मैसेज देना चाहिए? जी जी, आपने एकदम सही पॉइंट पकड़ा। जब हमने ये स्टार्ट किया था ये आइडिया, तभी हमारे पास एंट्रीज का काउंट्स काफ़ी लिमिटेड था, बिकॉज बहुत सारे बच्चे लोग लॉकडाउन के वो जोन से जस्ट ही निकल रहे थे और हमें उन्हें बहुत मोटिवेशन करना पड़ा, उन्हें बहुत गाइडेंस देना पड़ा। बट देन हमारे बच्चे, जैसे कि आप देख सकते हैं, आप अगर उनको मिलोगे आपको समझेगा, उनका बहुत क्यूरियोसिटी वाला माइंड है। दे आर वेरी इंक्विजिटिव इन देयर नेचर, सो उन लोग को ऐसा लगता है कि मैं ऐसा क्या करूँ सो दैट आई कैन प्रेजेंट माई मॉडल इन द बेस्ट वे। तो मोटिवेशन और उनका खुद का इंटरेस्ट, ये सब मिला के हमें क्लोज टू 156 टू 158 प्रोजेक्ट्स टोटल मिले हैं। विथ मेजर प्रोजेक्ट देखने जाएंगे तो टोटल 165 प्रोजेक्ट्स हमारी स्कूल में है जो रिवाइंड एंड फॉरवर्ड थीम को सूट कर रहे हैं। थैंक यू। केश पाटिल सर, आप यहाँ साइंस एग्जीबिशन देखने आए हैं, yes, आपको कैसा फील हो रहा है और आपको इसमें सबसे अच्छा क्या लगा और क्या इन बच्चों की थॉट्स आप कहाँ तक प्रभावित? बहुत ही इनोवेटिव है एंड बच्चे बहुत ही उत्सुक है। जो टेक्नोलॉजीज है जैसे सोलार पावर, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड बहुत सारे एडवांसेस जो है वो बच्चों ने बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किए हैं एंड डेफिनेटली इन चीज़ों से उनका प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगा एंड इट विल हेल्प देम जो अप्लाई करना है, जो अपना थियोरेटिकल नॉलेज है अप्लाई करने में बहुत हेल्प होगा। सो वेरी गुड इनिशिएटिव बाय INGS स्कूल, आइसेक न्यूटन ग्लोबल स्कूल। शी इज़ माई डॉटर ईरा पाटिल, उनका भी एक प्रोजेक्ट है। तो थैंक यू, वेरी रियली एन्जॉयड दिस प्रोजेक्ट सेशन। बेटा आपका नाम क्या है? ईरा पाटिल। आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया है? मैंने कोणार्क सन टेम्पल का कालचक्र, एंशियंट क्लॉक। उसमें क्या मैसेज है, क्या कुछ खास है उसमें? कि वो विदाउट सबसे एंशियंट है और वो क्या बोलते हैं, वो हिलता नहीं है पर फिर भी एक्यूरेट टाइम दिखाता है। सर आपका नाम? आई एम प्रवीण गुप्ता। सर आप यहाँ इस साइंस एग्जीबिशन में आए हैं, yeah, क्या कहना चाहेंगे, क्या आपका अनुभव है? फॉर द फर्स्ट टाइम इन वसई आई एम फाइंडिंग सच ए ब्यूटीफुल एंड you can say very innovative ideas developed by the students and the staff all together in a team way. Students are explaining their projects in such a way as if they are the new scientists, they are the scientists of future. I like all this effort of the students as well as the teachers. Thank you very much. प्रज्ञा, आप प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन प्रज्ञा।
Again, we landed on Moon's south pole on August 23, 2023. Gagan rover has taken which reflects photos of Moon's surface and sends it to Israel. There is a special feature known as Alpha Particles X-ray Spectrographer, also known as APXS. Good morning. Good afternoon. I am Kartik Amin. These are my friends Steve, Sid and Shaulya. We have made a project on theory of relativity. The project is a demonstration of theory of relativity in action. So what's happening over here? The sun's presence is curving or bending the fabric of space-time, because of which when the planets try to move in a straight line, they are forced to revolve around the sun. And this same thing also occurs in the revolution of Earth and Moon, as the conditions applied are the same. This was theory of relativity by Albert Einstein. Thank you and have a nice day. Phoenix smile, rest all will maintain silence. Good afternoon, this is a project on the topic drip irrigation. Drip irrigation means plant receives water and nutrients directly at the roots of the plants at certain interval of time, and the quantity what it means. It prevents diseases because water directly gets transported to the roots of the plant without getting into the minimizing contact with leaves and the roots of the plant. It minimizes evaporation and saves water. It also prevents quality and the texture of the plants because the moisture levels are kept at an optimal rate. Thank you. Welcome to our project. This is advanced agriculture system by using solar energy. The solar panel is coated in such a way that it will move as per the sun or any light source. This is a moisture sensor which indicates whether the soil is wet or dry. The energy is stored in these two batteries so the motor can run and make the field hydrated. Here we have a taser. This is a non-laser taser pin. It consists of an amplifier, 4 double-sized batteries and 2 battery holders and a switch. Now, the one in front of you is around 200 volts, which is not enough to knock out the person, but it can give a good shock. Now, this bulb is around 230 volts. Now, we want to check how many volts it has. As you can see, it is very light this bulb. So hence proved that it is around 200 volts. It is illegal to own a taser in India due to Indian Arms Act Law 1996 without a license. Thank you. Good afternoon. Welcome to Science Exhibition in IIGS School. This is Mission Venus for Future. This can be an inspiration for many scientists in future. As it reaches the space, it will shed off and get converted into the spaceship. The satellite revolve around the planet and try to get information about the water and toxic gas of the planet. Thank you. न्यूज लाइव को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे गूगल पे बार कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक रूप से मजबूत करें। धन्यवाद। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।